डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर जो कोनामरु रहता है वो कहता है कि जल्दी जल्दी सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लेके चलो, और यहाँ पर वो पेन का समन किए हुए क्रीचर पूरे विलेज को तबाह कर रहा होता है। और कोनामरु अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी विलेज के अंदर हो सके तो उतने लोगों को जमा करो और सेफली उन लोगों को सेफली जगह पर पहुंचा दो। यहाँ पर कोनामरु के दोस्त कहते हैं कि हम कैसे लड़े क्योंकि वो जो क्रिएचर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो कोनामरु कहते हैं अपने दोस्तों को कि तुम लोग चले जाओ, मैं उन लोगों से लड़ूंगा। तो कोनामरु के दोस्त लोग कहते हैं कि आखिर तुम कैसे लड़ोगे उस क्रिएचर से। तो वो कहते हैं कि नारुतो ने मुझे एक कमाल का जुत्सु सिखाया है। यहाँ पर कोनामरु पास का सीन याद आता है जहाँ पर कोनामरु को नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोनामरु एक अच्छा सा जुत्सु सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो कोनामरु कहता है कि ये बड़े भाई क्या तुम मुझे कोई सेक्सी जुत्सु सिखाओगे जो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। तो नारुतो कहता है नहीं नहीं, मैं सेक्सी जुत्सु नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल जुत्सु सिखा रहा हूँ जो सीखने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे। तो कोनामरु कहता है आखिर वो कौन सा जुत्सु है बिग ब्रदर, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे इंतज़ार नहीं होता, वो कोई तरीके का सेक्सी जुत्सु होगा, मुझे पता है जो देख कर सभी लोग चौंक जाएंगे, वो कोई पोल वाला जुत्सु होगा या कोई ऐसा जुत्सु जिसको देख कर सब चौंक जाएंगे, है ना बड़े भाई। तो यहाँ पर नारुतो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तुम्हें कोई जुत्सु सिखाने की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर जुत्सु है, वो कोई ऐसा वैसे जुत्सु नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये कोई सेक्सी जुत्सु नहीं है। तो यहाँ पर कोनामरु के दोस्त लोग कहते हैं कि क्या तुमने वो जुत्सु सीख लिया और क्या तुम वो जुत्सु की मदद से सब कर सकते हो। तो कोनामरु कहते हैं अपने दोस्तों को कि तुम लोग चले जाओ और मैं अपने जुत्सु की मदद से बाकी लोगों को बचा लूंगा, और अगर कुछ हुआ तो मैं अपना जुत्सु का इस्तेमाल कर लूंगा। तो यहाँ पर कोनामरु को एक टाइम याद आता है जहाँ पर उसके जो दादाजी है यानी थर्ड हुगा के ऊपर हमला होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि उसे सेफली जगह पर बिठा देते हैं। पर इस बार उसके पास चांस है और इस बार वो सभी को बचा भी सकता है। तो इसलिए कोनामरु कहता है कि मैं अब ये करके ही रहूँगा, तुम लोग चले जाओ अगर तुम्हें जाना है तो, क्योंकि मैं अपने जुत्सु की मदद से सभी को बचा भी सकता हूँ। और तभी यहाँ पर कोनामरु तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पेंस रहता है वो अपने जो पेंस रहते हैं वो अपने मिसाइलों की मदद से हमला करते ही रहते हैं। और कोनामरु भागते हुए जाता है और चिल्ला रहा होता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, क्या कोई है जिसको मदद चाहिए। और तभी कोनामरु को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है जिसको मदद चाहिए रहती है, और कोनामरु उस बूढ़ी औरत को उठाता है और उस बूढ़ी औरत को सेफली लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। और बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी यहाँ पर हमें माउंट नेबुको पे दिखाता है जहाँ पर नारुतो भागते हुए जा रहा होता है और वो कहता है हे मैं ये करके ही रहूँगा। तो लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो नारुतो भागते हुए जा रहा होता है और वो कहता है कि देखना मैं भागते हुए भी सेज मोड में जा सकता हूँ, मुझे ये करके ही रहना होगा। और लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें सेज मोड में जाने के लिए आराम से शांति से खड़े रहना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम अपने सेज मोड में जा सकते हो, वरना तुम अपने सेज मोड में नहीं जा सकते। पर नारुतो कहता है अगर तुम मेरे कंधे पर मर्ज नहीं हो सकते और बैठ नहीं सकते तो मेरे सेज मोड में बन के क्या फ़ायदा, फिर क्या फ़ायदा, मेरा सेज मोड तो वेस्ट जाएगा, इसलिए मुझे ये करके रहना ही होगा। तो तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासाको की पीठ पर यहाँ पर कोड लिखा रहता है जो मास्टर जिराया ने मरने से पहले लिखा रहता है, और यहाँ पर नारुतो उस कोड को देख लेता है। तो नारुतो उस कोड को देख कर लॉर्ड फुकासाको को कहता है मास्टर जिराया ने आपकी पीठ पर क्यों कोड लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कोड मुझे मिले, और उन्हें ये भी भरोसा था कि मैं उस कोड की पहेली सॉल्व कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मास्टर जिराया को मेरे पे भरोसा था, और आप भी मुझे भरोसा करो, मैं ये करके रहूँगा और मैं उनका भरोसा कभी जाने नहीं दूंगा, और मैं सेज मोड ये पूरी तरीके से सीख के रहूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोनामरु उस बुढ़ी सी औरत को एक सेफली जगह पर लेके आ जाता है ताकि उन लोगों को और लोगों को बचा सके। और यहाँ पर कोनामरु उस बुढ़ी औरत को वहाँ पर रख कर भागते हुए जाता है ताकि वो और लोगों को ढूंढ सके जो जख्मी है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दो जो शिनोबी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जख्मी
में रहते हैं और पेन उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। और यहाँ पर वो पेन पूछता है कि नारुतो उज़ुमाकी किधर है, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि नारुतो उज़ुमाकी किधर है, पर अगर नारुतो उज़ुमाकी हमें पता होता क्या कि नारुतो उज़ुमाकी किधर है तो हम नहीं बताते। और तभी यहाँ पर पेन उन लोगों का गला पकड़ लेता है और उन लोगों का गला पकड़ने के बाद कहता है, अगर तुम लोगों को पता है कि पेन कहाँ पर है तो मैं वो पता लगा ही लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यह कहकर उन लोगों का गला पकड़ लेता है। पेन उन लोगों को लास्ट मौका देता है और वो कहता है कि बता दो, मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ क्या कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ पर है। और वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। और तभी यहाँ पर पेन अपने पीछे अपने जुत्स की मदद से वो क्रिएचर समन करता है और यहाँ पर वो दोनों को वो पीछे क्रिएचर दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब रहता है। और वो दोनों कहते हैं कि वो क्या है जो तुम्हारे पीछे समन हुआ है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे जो क्रिएचर समन हुआ रहता है वो उन दोनों जो शिनोबी रहते हैं उसके मुंह से उनकी आत्माएं निकाल रहा होता है और उन दोनों की आत्मा वो पकड़ के भी रख देता है। पेन कहता है कि बता दो वरना मैं तुम दोनों की आत्मा वैसे ही निकाल दूंगा और जैसे ही अगर तुम दोनों की आत्मा निकाल दूंगा उसके बाद मुझे पता ही चल जाएगा। और तभी यहाँ पर पेन उनमें से एक की आत्मा निकाल देता है और वो जो पीछे क्रिएचर रहता है वो आत्मा खा लेता है। और तभी यहाँ पर वो जिसकी आत्मा खा लेता है वो निंजा बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसा हो जाता है क्योंकि उसकी सोल वो खा चुका होता है। और यहाँ पर जो पेन रहता है वो उसको छोड़ देता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं था। अब वहाँ पर कोनामारू पहुंच जाता है और कोनामारू ये सब देख रहा होता है। कोनामारू बोलता है कि आखिर वो पेन ने आखिर ऐसा क्या किया जो पेन की जो अचानक से वो मर ही गया, क्योंकि जो पेन है जिसका गला पकड़ेगा उसको ही उसके पीछे वाली जो समन किए हुआ क्रीचर रहता है उसको ही दिखेगा, कोई और को ये नहीं दिखेगा ही नहीं। कोनामारू ये देखकर डर जाता है कि वो पेन गला पकड़ते साथ ही मार देता है, इसलिए वो डर के मारे जा रहा होता है चुपचाप। पर तभी कोनामारू से एक गलती हो जाती है और आवाज़ आ जाती है और तभी यहाँ पर वो पेन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो पेन कोनामारू की तरफ बढ़ता है कोनामारू की मारने के लिए। और वो कहता है कि कौन है, बाहर आ जाओ। पर कोनामारू चुपचाप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और पर जो पेन रहता है वो रुक रहा नहीं होता है और वो कोनामारू की तरफ जा रही होता है। पर तभी सामने से एबिसु सेंसे आ जाते हैं और एबिसु सेंसे कहते हैं कि मुझसे लड़ो, तुम वहाँ पर क्या जा रहे हो। और यहाँ पर वो उस पेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एबिसु सेंसे। यहाँ पर कोनामारू ये देखता है और वो बोलता है कि एबिसु सेंसे ये क्या कर रहे हैं। तो एबिसु सेंसे ये सब कोनामारू के लिए करते हैं। एबिसु सेंसे मन में सोचते हैं कि कोनामारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से भाग जाओ, मैं इसका ध्यान भटका रहा हूँ। और यहाँ पर एबिसु सेंसे कोनामारू के लिए पेन से लड़ने के लिए आ गए, अगर वो पेन से लड़ने के लिए नहीं आते तो वो पेन डायरेक्ट कोनामारू को मार देता। और यहाँ पर जो पेन रहता है वो एबिसु सेंसे को पकड़ के यहाँ एबिसु सेंसे के ऊपर वो जो निंजा रहता है उसको फेंक देता है और एबिसु सेंसे यहाँ पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर एबिसु सेंसे उठते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं कि तुम कोनामारू रुके का इकले हो, आखिर यहाँ से जल्द से जल्द चले जाओ। पर कोनामारू यहाँ पर रुका रहता है और यहाँ पर वो ऊपर की तरफ आ जाता है, पहले वो नीचे बैठा था ना, अब वो ऊपर आ जाता है और वो देख रहा होता है ये सब छुपके से और वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, एबिसु सेंसे कभी नहीं आते, पर अगर उन्होंने जो पेन है उसे पता चल गया था कि मैं यहाँ पर हूँ और इसलिए एबिसु सेंसे बाहर आ गए ताकि अगर वो बाहर नहीं आते तो मैं मारा जाता। और तभी यहाँ पर पेन पूछता है, मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ पर है। और ये कहकर यहाँ पर वो एबिसु सेंसे के ऊपर पेन हमला करता है। तो एबिसु सेंसे कहते हैं, क्या तुम किसके ढूंढ रहे हो, नारुतो को। और यहाँ पर जो कोनामारू रहता है वो कहता है, हे ये तो बिग ब्रदर नारुतो को ढूंढ रहे हैं, ये जितने भी पेन है वो मेरे बिग ब्रदर नारुतो को ढूंढ रहे हैं। और तभी यहाँ पर एबिसु सेंसे कहते हैं कि क्या तुम पेन को ढूंढ रहे हो, और वो कहता है कि हाँ बताओ नारुतो उज़ुमाकी किधर है। तो यहाँ पर एबिसु सेंसे हंसते हैं और वो कहते हैं कि मैं नारुतो के बारे में कभी किसी के नहीं बताऊंगा। और तभी यहाँ पर पेन एबिसु सेंसे को पंच मारते हैं और तभी वो एबिसु सेंसे को कहता है कि बताओ आखिर क्या आखिर नारुतो उज़ुमाकी कहाँ पर है। एबिसु सेंसे की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और यहाँ पर वो जो पेन रहता है वो एबिसु सेंसे को वापस से ऐसी तरीके से उठाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो कहता है कि आखिर तुम बताओगे कि नहीं कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारे एबिसु सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं नारुतो उज़ुमाकी के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि नारुतो उज़ुमाकी वो इंसान है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, जो मैं उसके बारे में पहले बहुत ही ज़्यादा गलत बारे में सोचता था, पर उसने मेरी गलत थिंकिंग को सही बना दिया, उसने मेरे जो स्टूडेंट है कोनामारू उसको
मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग देता था पर वो कोना अमरु को समझ में ही नहीं आता था, पर जब नरूटो ने उसे अपनी ट्रेनिंग दिया और वो सब किया, उसके बाद से मेरा जो स्टूडेंट है कोना अमरु वो बिल्कुल अलग तरीके से चेंज हो गया, और वो ऐसा चेंज हो गया जैसा मैं चाहता था, और वैसा मैं कर भी नहीं पाया, और वैसा नरूटो ने बस थोड़े ही दिनों में कर दिया। नरूटो में ये एबिलिटी है, वो किसी को भी चेंज कर सकता है, जैसा उसने मुझे भी कर दिया। मैं उसके बारे में पहले बहुत ही ज़्यादा गलत थिंकिंग सोचता था कि इसके अंदर नाइन टेल फॉक्स है और ये सब है, पर उसने मेरी थिंकिंग चेंज कर दिया। और नरूटो के बारे में मैं कभी किसी के कोई नहीं बताऊंगा कि आगे नरूटो कहां पर है और कहां है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। और अगर मुझे पता होता कि आगे नरूटो कहां पर है तो भी मैं नहीं बताता कि आगे नरूटो कहां है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं नरूटो के बारे में किसी को बताऊं। और अभी सुसान से हंसते हैं और वो कहते हैं कि लीव विलेज के निंजा कभी इतने वो नहीं रहते हैं कि बाकी विलेज की तरह सब कुछ बता देंगे, लीव विलेज के निंजा कभी किसी को कुछ बताते नहीं है। और तभी वो पेन अपना क्रिएचर समन करता है जो एबिसो सेंसी की स्प्रिट निकाल लेगा। तभी कोना अमरु कहता है कि उसने एबिसो सेंसी को गर्दन पकड़ लिया है, इसका मतलब वो एबिसो सेंसी को जान से मार देगा जैसा उसने पहले निंजा को मार दिया था। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि बिग ब्रदर नरूटो ने मुझे इसी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया था। उसने मुझे ट्रेनिंग दिया था कि अगर मुझे होकागे बनना है तो मुझे बिल्कुल एकदम मुश्किलों से होकागे बनना पड़ेगा। होकागे बनने का काम कोई आसान काम नहीं है, होकागे बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग और बहुत सारा कड़ी मुकाबले करने पड़ते हैं। और अगर मुझे होकागे बनना है तो मुझे एक दिन बिग ब्रदर नरूटो से लड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इसी तरीके से मेरे सेंसी को मरते हुए देख नहीं सकता, मुझे मेरे सेंसी को बचाना होगा। बिग ब्रदर नरूटो ने मुझे जितनी भी ट्रेनिंग दी है मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। और तभी वो पेन के हाथ पर कोई कुनाइफ से हमला करता है और वो पेन देखता है कि आखिर वो कौन है, और वो कोई और नहीं वो कोना अमरु रहता है। और कोना अमरु कहता है हे इधर आ जाओ तुम मुझसे लड़ो। और कोना अमरु से लड़ने के लिए यहाँ पर वो जो पेन देता है वो ऊपर चले जाता है। एबिसोसन से पेन को कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए कोना अमरु, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चले जाओ पर तुम क्यों रिटर्न आए। और यहाँ पर कोना अमरु थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वो पेन से अकेला लड़ने के लिए कैसे लड़ेगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर पेन से लड़ने आया हूँ, मुझे बिग ब्रदर नरूटो ने ये कभी ट्रेनिंग नहीं दिया कि दुम दबा के भाग जाओ, मुझे ये ट्रेनिंग दिया है कि मुश्किलों में कड़ी मुकाबले लड़ना चाहिए। और वो पेन भागते हुए कोना अमरु की तरफ जाता है और यहाँ पर वो कोना अमरु पे हमला कर रहा होता है। कोना अमरु थोड़े बहुत अटैक्स को डॉच कर लेता है और यहाँ पर जो पेन रहता है वो कोना अमरु को मारने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि कोना अमरु को बस मार दे और वो कोना अमरु को पकड़ के सामने की तरफ फेंक देता है। कोना अमरु यहाँ पर उसे चोट लग गई होती है और तभी यहाँ पर वो पेन जो रहता है वो कोना अमरु की तरफ आ जाता है। और कोना अमरु बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। और कोना अमरु सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इस निंजा से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर उसने दो निंजा का गला भी इसी तरीके से पकड़ा था और गला जैसे ही उसने पकड़ा, गला पकड़ने के बाद वो दोनों निंजा मारे जा चुके थे। इसका मतलब ये गला पकड़ने के बाद कुछ ना कुछ करता है जिसके बाद शिनोबी मर जाते हैं। और तभी यहाँ पर वो पेन को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर जो पेन रहता है वो भागते हुए आता है और वो कोना अमरु का गला पकड़ लेता है और वो गला पकड़ के जो कोना अमरु रहता है उसका गला पकड़ के दीवार पर लटका देता है। एबिसो सेंसे यहाँ पर कोना अमरु को बचाने के लिए आते हैं पर पेन यहाँ पर एबिसो सेंसे को उड़ा देता है और यहाँ पर एबिसो सेंसे कुछ नहीं कर पाते। तभी कोना अमरु को दिखता है कि पीछे कुछ समन होता है और वो कुछ राक्षस जैसा रहता है। और तभी कोना अमरु समझ जाता है जब भी अगर ये पेन किसका गला पकड़ता है तो ही उनको ये दिखेगा चीज़, ये जो चीज़ है ये जो राक्षस जैसी चीज़ है ये तभी ही उनको दिखेगी जब वो उनका गला पकड़ेगा। अगर ये उनका गला नहीं पकड़ेगा तो ये चीज़ नहीं दिखेगी। और तभी यहाँ पर कोना अमरु समझ जाता है कि वो दोनों निंजा किस तरीके से मर गए। और यहाँ पर कोना अमरु के मुंह से कोना अमरु की स्प्रिट निकल रही होती है और वो कहता है कि तुम्हारी स्प्रिट मैं निकाल लूँगा। और तभी यहाँ पर वो कोना अमरु की बस स्प्रिट निकालने ही वाला रहता है पर तभी कोना अमरु सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी कोना अमरु को याद आता है कि नरूटो ने कहा था कि मैं तुम्हें ये जुत्सु इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम ये जुत्सु जब तुम मुश्किल में रहो और तुम्हारे को एकदम मुश्किल में खतरा हो तो तुम ये जुत्सु का इस्तेमाल करना। और तभी यहाँ पर जो कोना अमरु रहता है वो उसका बस क्लोन रहता है, यानी जो पेन रहता है जिसका गला पकड़ के रखता है वो बस कोना अमरु का क्लोन रहता है। और तभी कोना अमरु पीछे से भागते हुए आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है रसिंगन। और यहाँ पर जो
कोनामरु रहता है वो रसिंगन मार देता है, और यहाँ पर वो रेसी रसिंगन मारता है वो पेन दीवार पे चले जाता है और वो पेन का खेल वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब अगर ये पेन जो है जिसकी जो सोल निकालता है लोगों की, अगर वो पेन लेडी जुनाटे को पकड़ लिया और लेडी जुनाटे की सोल निकाल दिया तो लेडी जुनाटे को पता है कि नारुतो माउनिया बोकू पे गया है, तो सभी को पता पेन को पता चल जाएगा कि नारुतो माउनिया बोकू पे गया है, इसलिए वो सबकी सोल निकाल रहा था। और तभी यहाँ पर ये देखकर एबिसो सेंसिटी चौंक जाते हैं। नारुतो यहाँ पर माउनिया बोकू पे ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी सेव मोड की, पर यहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि वो भागते भागते प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पर वो फ्रॉग बनने वाला था। पर यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को नारुतो को अचानक से आते हैं और नारुतो को अपनी स्टिक की मदद से मार देते हैं और नारुतो नॉर्मल हो जाता है और वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसी तरीके से हो रहा है जैसा तुम पहले आए थे स्टार्टिंग में, जैसा तुम ऑयल लगा के अपना नेचर चक्रा में जाते थे, फिर ऑयल लगा के भी तुमको नहीं आता था और मुझे तुम्हें छड़ी मारना पड़ता था, ये तो बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि वो बात याद रखो जब तुम पहले आए थे और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जिराया बॉय ने ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से सीख लिया था और जिराया बॉय के लिए ये कुछ भी नहीं था, अगर ये जिराया बॉय सीख सकता है तो तुम भी सीख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को जो रहते हैं वो नारुतो का हौसला बढ़ा रहे होते हैं और नारुतो कहते हैं मैं आखिर कैसे कर सकता हूँ, आखिर आप मेरे कंधे पर मर्ज नहीं हो सकती तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सब मुझे भागते हुए ही सीखना पड़ेगा। तो लॉर्ड फुकासा को कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम क्या अपने, लॉर्ड फुकासा को नारुतो को कहते हैं कि तुम एक ही बार में दोनों जगह पर देख सकते हो, यानी एक ही बार में तुम राइट और लेफ्ट में एक साथ देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। और तभी नारुतो के दिमाग की बत्ती जल जाती है और नारुतो कहता है मुझे मेरा आइडिया मिल गया जो मुझे बहुत ज़्यादा पहले मिलना चाहिए था। आपने क्या कहा, मुझे मेरा आइडिया मिल गया। और तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।